फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल सिलेक्टिव है और अभी रेगुलर चलेगा। अभी रोज़ सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड तो करते ही हैं, लेकिन अभी जो सीरीज है स्पीकिंग इंग्लिश का है और बिल्कुल अलग तरीके का है। जो हम दिन भर में बोलते हैं, सुनते हैं, उसी का आप स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। लेकिन अब ये है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी या फिर बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आप इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं, तो कुछ समझना पड़ेगा। एक फार्मूला को आपको समझना होगा और वो है स्ट्रक्चर, आइडिया और प्रैक्टिस। मतलब ये हुआ, मैं आपको रोज़ स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ, आपके पास स्ट्रक्चर्स बहुत सारा है, आप समझ गए हैं, बहुत सारा जानते हैं आप। लेकिन अब करना क्या है कि आपके पास जो कमी है वो आइडिया का। आखिर कहाँ है आइडिया? तो देख लीजिए, ये जो मैं बताया हूँ ये है स्ट्रक्चर्स, और यहाँ जो लिखा हुआ है सब ये आइडिया है। विचार को ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया है। जैसे हम बोलते हैं डोंट ईवर चीट एनी वन, तो डोंट ईवर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिया हूँ और यहाँ पर ये पूरा आइडिया चार लिखा हुआ है। अब क्या है कि स्ट्रक्चर, आइडिया और प्रैक्टिस। करना ये है कि सिर्फ वीडियो को देखकर बैठ जाने से नहीं होगा, बल्कि सभी स्ट्रक्चर पर अपने आइडिया के साथ प्रैक्टिस करना है। क्या करना है आपको याद रखना पड़ेगा, सभी स्ट्रक्चर्स पर अपने आइडिया को, मेरे आइडिया को नहीं, ये जो लिखा हुआ है नहीं, बल्कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आपके मन में कौन सा विचार आता है, उसको, उस आइडिया को इस स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए, लिखिए, बोलिए और तब जाकर ये कमांड हो जाएगा और आपके सबकॉन्शियस में ये पूरे स्ट्रक्चर, आइडिया सेट हो जाएगा। और जब इंग्लिश बोलने की बारी आएगी तो फिर आपको दिमाग पर जोर लगाना नहीं होगा। तो चलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, पूरे एग्जाम्पल के साथ, सेंटेंस के साथ देखते हैं और समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि रोज़ सवेरे 5 बजे आपको वीडियो अपलोड्स की जानकारी मिलती रहे और आप रोज़ कुछ नया सीखते रहें। या आपका होम ट्यूशन है, घर पर मैं पढ़ाता हूँ इस वीडियो के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, डोंट ईवर मीन्स आपको मना करना है। किसी को आप मना करते हैं किसी भी काम के लिए, कभी मत करना। अगर आपको कहना है कि कभी मत करना, तो इसके लिए आप डोंट ईवर बोलेंगे और उसके बाद वर्ब वन का यूज करेंगे। जैसे डोंट ईवर चीट इन वन, किसी को कभी धोखा मत देना। डोंट ईवर हेट एनी वन, किसी से कभी नफरत न करना। डोंट ईवर अब्यूज एनी वन, कभी किसी को गाली मत देना। डोंट ईवर किल एन एनिमल, कभी किसी जानवर को मत मारना। तो अगर आपको कभी मना करना है, किसी को मना करना है कि ये काम कभी ना करना, तो आप सिंपल में नेवर से तो बोलते हैं, नेवर मेक सच मिस्टेक्स कुछ भी बोलते हैं, लेकिन डोंट ईवर स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूजफुल है, लोग बोलते हैं। इसलिए आप डोंट ईवर का यूज़ कीजिए, वर्ड वन और कुछ भी, कभी भी किसी को कुछ भी माना करना है तो डोंट ईवर, कभी मत करना इस काम को, इसके लिए डोंट ईवर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डू यू अग्री डैट। अब अगर आपको किसी को सहमति के बारे में बोलना है, सहमति, किसी से सहमति लेना है, वो राजी है कि नहीं किसी काम को करने के लिए, या किसी बात से राजी है कि नहीं, किसी को किसी बात से सहमति है कि नहीं, तो इसके लिए जैसे डू यू अग्री डैट द गवर्नमेंट इज गुड, क्या आप सहमत हैं कि यह सरकार अच्छी है। तो किसी से सहमति पूछने के लिए कि आप सहमत हैं या नहीं हैं, तो ये जानने के लिए डू यू अग्री डैट यू विल लर्न इंग्लिश डेली, क्या आप सहमत हैं कि आप रोज़ इंग्लिश सीखेंगे। डू यू अग्री डैट यू विल मैरी हर दिस ईयर, क्या आप सहमत हैं कि उससे इसी वर्ष आप शादी कर लेंगे। तो सहमति पूछने के लिए डू यू अग्री डैट यू विल कीप योर प्रॉमिस,
क्या आप सहमत हैं कि आप अपनी प्रॉमिस को पूरा करेंगे, आप अपने वादा को जरूर निभाएंगे? तो आप समझ चुके हैं, कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग में अगर किसी की सहमति जानना है कि क्या आप सहमत हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या आप सहमत हैं कि उन्हें ऐसा बोलना चाहिए था, तो सहमति जानने के लिए डू यू अग्री डैश बोलिए। और आगे है आई कांट लेट यू। अब दोनों में क्या अंतर है? डोंट ईवर का मतलब है, अब उस पर डिपेंड करता है वो काम करे या नहीं करे। जैसे डोंट ईवर चीट एनीवन, कभी किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना, अब उस पर डिपेंड करता है वो धोखा दे या नहीं दे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, अब ये हम पर डिपेंड करता है। आई कांट लेट यू, किसी को मना करना है, करने नहीं देना, करने नहीं देना। मतलब ये है कि मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दे सकता हूँ। अगर ये आप पर डिपेंड है, कहने वालों पर डिपेंड है, तो आप बोलेंगे आई कांट लेट का प्रयोग करेंगे, आई कांट लेट यू। अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट बदल भी सकते हैं, जैसे आई कांट लेट हिम, आई कांट लेट देम, आई कांट लेट यू, आई कांट लेट हर। अगर किसी को कोई काम करने से मना करना है तो या फिर आप कहते हैं कि मैं करने नहीं दूंगा इस काम को, तो जैसे आई कांट लेट यू गो होम नाउ, अभी मैं तुम्हें घर नहीं जाने दे सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे। आई कांट लेट यू बीट द चाइल्ड, मैं तुम्हें इस बच्चे को पीटने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट लेट यू स्मोक हियर, मैं तुम्हें यहाँ स्मोकिंग करने नहीं दे सकता हूँ, धूम्रपान करने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट लेट यू टॉक टू हर, और मैं तुम्हें उससे बात करने नहीं दे सकता। दोनों में अंतर है, यहाँ उस वह व्यक्ति करे या नहीं करे, हम तो सिर्फ मना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट कोई काम करने ऑब्जेक्ट को नहीं देगा, ऐसा है। और नेक्स्ट है डू यू फील लाइक, किसी की इच्छा जानना है, किसी की इच्छा जानना है, किसी का इंटेंशन जानना है, किसी को किसी कार्य करने का मन है या नहीं, ये जानना है। जैसे डू यू फील लाइक वॉचिंग, क्या आपको फिल्म देखने की इच्छा है, क्या आपको फिल्म देखने का मन है, क्या आपको फिल्म देखने का दिल करता है, तो ऐसे बोलेंगे डू यू फील लाइक टेकिंग अ कप ऑफ टी। अब क्या है कि फील लाइक के बाद में हमेशा वर्ब फोर का यूज करेंगे, तो डू यू फील लाइक टेकिंग अ कप ऑफ टी, क्या तुम्हें चाय पीने का मन है, क्या आपको चाय पीने का दिल करता है, मन करता है, इच्छा है। या फिर डू यू फील लाइक लर्निंग इंग्लिश डेली, क्या आपको रोज अंग्रेजी सीखने का मन है। डू यू फील लाइक टेकिंग रेस्ट फॉर अ व्हाइल, क्या आपको थोड़ी देर आराम कर लेने का मन है। तो इच्छा पूछने के लिए आप डू यू फील लाइक उसके बाद वर्ब फोर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। और नेक्स्ट है डू यू माइंड इफ, डू यू माइंड इफ, अगर किसी से पूछना है कि मैं ये काम करूंगा तो आपको परेशानी होगी, मतलब परेशानी के बारे में पूछना है, परेशानी होगी, पूछना है कि डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडोज, अगर मैं ये विंडोज खोल दूँ तो आपको परेशानी होगी, इस तरह से पूछना है। डू यू माइंड इफ आई स्मोक हियर, अगर मैं यहाँ स्मोकिंग करूँ, धूम्रपान करूँ, तो आपको परेशानी होगी, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहाँ धूम्रपान करूँ। नेक्स्ट है डू यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल, अगर मैं आपका मोबाइल यूज़ करूँ तो क्या आपको परेशानी होगी, परेशानी के बारे में, या फिर आपको बुरा लगेगा। डू यू माइंड इफ आई स्टे हियर टू नाइट, अगर मैं यहाँ रात आज रात ठहर जाऊँ तो क्या आपको परेशानी होगी। तो इस तरह से आपको पूछना है तो डू यू माइंड इफ, और उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं, डू यू माइंड इफ के बाद में कंप्लीट सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट है आर यू यूज टू, मतलब आदत के बारे में पूछना है कि क्या आपको इस चीज़ की आदत है। तो जैसे आर यू यूज टू गेटिंग बीटन, क्या तुमको रोज़ पिटाई खाने का, या फिर क्या तुमको पिटाई खाने का आदत है, क्या तुम पिटाई खाने का आदि हो चुके हो। तो इस तरह से आप किसी से पूछ सकते हैं। आर यू यूज टू टेलिंग लाइज, क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, क्या तुम झूठ बोलने की आदि हो चुके हो, ऐसे बोलेंगे। आर यू यूज टू विंकिंग योर आइज, क्या तुम्हें अपनी आँख मटकाने की आदत है, क्या तुम अपनी आँख मटकाते रहते हो, इसकी आदत है तुम्हें, ऐसे पूछना है। आर यू यूज टू वॉकिंग इन द स्लीप, क्या तुम्हें सपना में या फिर नींद में चलने की आदत है,
तो इस तरीके से आर यू यूज टू के बाद में आप वर्ब फोर का यूज कर सकते हैं। इन सभी को अपने जुबान पर रखिए और बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं बल्कि अपने कॉपी पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे बोलकर भी। चलिए नेक्स्ट है अलाउ मी टू। अगर किसी से कोई काम करने का परमिशन लेना है, आदेश लेना है, जैसे आदेश लेने के लिए, आदेश लेने के लिए, जैसे अलाउ मी टू गो होम, मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। अलाउ मी टू किल द स्नेक, इस सांप को मारने का मुझे इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। अलाउ मी टू टीच द चिल्ड्रेन, मुझे इस बच्चों को पढ़ाने का आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, इजाजत दीजिए। अलाउ मी टू फिनिश द वर्क, मुझे इस काम को समाप्त करने का आदेश दीजिए, तुरंत समाप्त कर दूंगा। मतलब किसी काम को करने के लिए आपको किसी से आदेश लेना है तो आप बोलेंगे अलाउ मी टू, अलाउ मी टू, और उसके बाद में वर वन का यूज करेंगे अलाउ मी टू। नेक्स्ट है आई कांट हेल्प, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ के बगैर, कोई काम किए बगैर नहीं रह सकते, और जब ऐसी परिस्थिति है तो आप आई कांट हेल्प का यूज करेंगे और इसके साथ वर्ब फोर का यूज करेंगे। तो आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज बिहेवियर, मतलब जैसे वो नौटंकी कर रहा है उसके व्यवहार पे हंसे बिना मैं नहीं रह सकता, तो आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है आई कांट हेल्प टेकिंग दिस मेडिसिन, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये दवा मैं रोज खाता हूँ, इस दवा के बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसी बीमारी है मुझे रोज यह दवा लेनी पड़ती है, तो आप उसे बोलना है आई कांट हेल्प टेकिंग दिस मेडिसिन, किसी कार्य को किए बिना आप नहीं रह सकते तो आप बोलेंगे आई कांट हेल्प। नेक्स्ट है आई कांट हेल्प लुकिंग हर डेली, मैं उसे रोज देखे बिना नहीं रह सकता, इस तरीके से व्यक्त करना है कि मैं इस कार्य को किए बिना नहीं रह सकता, उस कार्य को किए बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प बोल सकते हैं उसके साथ में वर्ब फोर का यूज। अब देखते हैं आई कांट हेल्प लर्निंग, मैं अंग्रेजी सीखे बिना नहीं रह सकता, इतनी तो साहस होनी चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तो आई कांट हेल्प लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखे बिना नहीं रह सकता, इस तरह से पॉजिटिव वे में भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने के, तो चलिए आज का सवाल है मुझे इस काम को करने की इजाज़त दीजिए, मुझे इस काम को करने की इजाज़त दीजिए, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखते हैं आप गलत करते हैं ऐसे, कई लोग तो गलत भी लिखते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले आप ठीक से समझिए, वीडियो को फिर से देखने का भी प्रयास कीजिए अगर आप नहीं समझे तो, और उसके बाद आंसर दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।